उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। देखिए, हमें कहा जाता था कि 5 मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से सरकार चल रही है उसमें कोई मुख्यमंत्री नहीं है। एक टेम्परेरी चीफ सेक्रेटरी हैं, टेम्परेरी डीजीपी हैं, और 300 विधायक नाराज हैं, तो समझ लो कैसे होंगे मुख्यमंत्री। विधायक क्या सपा में आ रहे हैं, सब क्या नहीं, सब कैसे ले पाएंगे फिर हमारे विधायकों क्या होगा जो जीतने वाले हैं इनका क्यों तो देखिए, आजम खान साहब पर और उनके परिवार पर इसलिए मुकदमे हैं क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी। यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए है, नौकरी रोजगार के लिए, भविष्य बेहतर करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो गरीब हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनका भविष्य बेहतर हो, इसलिए मुकदमे हैं। और जहां तक बात शेर की है, अरे भारतीय जनता पार्टी शेर पढ़ते हैं लेकिन किसने लिखा शेर ये जानते ही नहीं है। खुशी तो ये लग रहा है कि बहुत अच्छी सरकार बनने जा रही है, और मुझे खुशी इस बात की है कि जो काम बोलता हम लोग नारा दे रहे थे उत्तर प्रदेश में, हम लोग कामयाब नहीं हुए, लेकिन दिल्ली की जनता ने काम को समझा, बिजली सस्ती समझी, इलाज का इंतजाम समझा, पढ़ाई का इंतजाम समझा, उसमें वोट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार पाकिस्तान चिल्लाती रही, लगातार आतंकवाद चिल्लाती रही, उनके लोगों की भाषा देखो, अरे हमारे मुख्यमंत्री ने तो एक मिनट में न जाने कितनी बार क्या क्या कह दिया, और गोली वाली बात हुई, लेकिन खुशी है कि जनता ने सब कुछ नकार दिया। आपकी सरकार एक बार फिर विकास की तरफ मुड़ी। आपकी सरकार आई है तो क्या बीजेपी से अप्रूवल लेकर लोगों को मंदिर जाना पड़ेगा? भगवान तो सबके हैं, और हिंदू धर्म इतना अच्छा है कि आप राम को मानना चाहो राम को मान लो, हमारा मन है कृष्ण को मानना, हम कृष्ण को मानेंगे। आपके यहाँ भी राम के भी मंदिर होंगे, कृष्ण भगवान के भी होंगे, और हमारी माताएं बहने देवियों के पास उनकी पूजा करती हैं। तो हमारा धर्म तो ऐसा ही है, हम तो जो चाहेंगे सो मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी नहीं तय कर सकती कि हम किसको माने। तो आप भी जाने वाले लागू नहीं होने देंगे। वहीं हमने ये भी कहा है कि जिस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अफ्रीका में ऐसी तरह के कानून का विरोध किया था और सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ा था, हम आपसे भी कहेंगे कि समाजवादियों के छेड़े हुए इस आंदोलन में आप हमारी मदद करें, और इसलिए मदद करें, जैसे हमारे राय साहब ये बैठे हैं, ये पंडित सिंह जी हैं, ये हैं मंत्री रहे हैं, इनसे पूछिए इनके गांव में घर के कागज हैं, इनके पास आपके गांव में घर के कागज हैं, कोई नक्शा नहीं होता गांव इनके, और राजा साहब के भी नहीं होंगे। तो जब राजा साहब के नहीं है, इन मंत्री लोगों के कागज नहीं है, हमारे गांव के घर के कागज नहीं, आप कहां से ढूंढ के लाओगे ये बताइए आप? नहीं, आप किसी गरीब से पूछिए कहां है कागज उसके पास, राजा साहब के इन पे भी नहीं होंगे कागज, गांव में घर पे कागज है, तुम पे है कुछ नहीं।